हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक नया एग्जामिनेशन का जो सिस्टम आ रही है एसएससी बैंकिंग और रेलवे के लिए। पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे को कवर करते थे, लेकिन अब एक नया सिस्टम आने से हम लोग अब इसको एसएससी बैंकिंग और रेलवे तीनों को कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तीनों के लिए यानी एसएससी बैंकिंग और रेलवे तीनों सेक्टर का एग्जाम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा, एक ही एजेंसी इसको कंडक्ट करवाएगी। तो आइए जानते हैं एक नया पॉलिसी क्या आई है और ये लागू कब से हो रही है, इसके बारे में सब कुछ ये है क्या। सबसे पहले इसी चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है सीईटी, सबसे पहले है आपका सीईटी और यानी कि सीई और टी ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आइए हम लोग जानते हैं इस चीज को। इसका फुल फॉर्म एक्चुअली में है क्या, यानी कि सीईटी का जो है फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो किसके लिए कॉमन है, वो देखिए एसएससी बैंकिंग सेक्टर जिसको कि आईबीपीएस कहा जाता है, आईबीपीएस यानी कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम होते थे सबको आईबीपीएस यानी हैंडल करती थी, कंडक्ट करवाती थी, वही स्टूडेंट का रिक्रूट करती थी यानी कि उसकी भर्ती करती थी, यानी कि एसएससी आईबीपीएस और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि तीनों को मिक्स कर दिया गया, यानी कि तीनों को मिला करके एक नया सिस्टम बनाया गया है जिसको कि सीईटी नाम दिया गया है। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि तीनों जो है तीनों की जो भर्ती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो के अंदर में ये सब कर्मचारी आते हैं, ये तीनों के लिए। देखिए पहले क्या होती थी, एसएससी के लिए एक प्री टेस्ट, एसएससी के लिए प्री टेस्ट यानी आईबीपीएस का अलग सिस्टम था, आरआरबी का अलग सिस्टम था, लेकिन अब नया सिस्टम क्या हो रहा है, सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हो रही है वो एसएससी आईबीपीएस और आरआरबी तीनों के लिए हो रही है। तो तीनों के लिए एक सिंपल सा एक कॉमन टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो तीनों के लिए एक एग्जाम होगा, यानी ओनली वन एग्जाम से आप एसएससी आईबीपीएस और आरआरबी का यानी कि फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होता है जिसको भी पीटी या भी प्री टेस्ट बोल सकते हैं वो आपका हो जाएगी क्लियर, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सीईटी पास करने के बाद आप इस लाइफ हो सकते हैं कि अगर आपको एसएससी में जाना है तब भी आपका वही एक टेस्ट यानी कि सीईटी काम करेगा, या फिर आईबीपीएस के लिए या फिर आरआरबी के लिए। पहले क्या सिस्टम था कि तीनों का अलग अलग एग्जाम होता था, कभी कभी एग्जाम का डेट जो टकरा जाती थी फिर एग्जाम स्टूडेंट को क्या होता है एक एग्जाम को छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि तीनों को मिक्स करके, तीनों को जो है मिक्स करके वो क्या बनाया गया है, वो एक सिस्टम बनाया गया जिसको भी बोलते हैं सीईटी। आप लोगों को आ गई बात, ये सीईटी है क्या, यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एग्जाम एसएससी आईबीपीएस आरआरबी। मान लीजिए कि हमको रेलवे में जाना है, अगर हमारे पास सीईटी की डिग्री है, सीईटी में हमारा परसेंटेज है 60% 70% 80%, हमारे पास जितना हमने उसमें एस्कॉर्ट किया है उस एस्कॉर्ट कार्ड का हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी। मान लीजिए हमने इस सीईटी एग्जाम को पास करके हमने मान लीजिए 70% नंबर इसमें से लाए हैं और ये सर्टिफिकेट हमको मिल गई है, तो इस सर्टिफिकेट हमको कहाँ कहाँ काम करेगा, अगर हमको एसएससी की भर्ती आएगी तो अभी हम इस सीईटी के दम पे यानी हमारे पास 70% नंबर है, और एसएससी वाले बोले कि जिसके पास भी 70% नंबर है या उससे ऊपर है चलो सब लोग आप एसएससी का फॉर्म डाल सकते हैं, तो हम लोग इसको फॉर्म डाल देंगे। आईबीपीएस के लिए भी वही बात है और आरआरबी के लिए वही बात है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लफड़ा लग रहा, बहुत ज्यादा झमेला लग रहा मुझे, और ये जो है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होकर के ये बहुत ही ज्यादा मतलब पेचीदा हो गया है स्टूडेंट के लिए भी और सरकार के लिए भी, वो आगे का सरदर्द हो जाएगा। ये कैसे होगा सरदर्द, आइए हम लोग जानते हैं इस चीज को। अब देखिए एग्जाम जो है एसएससी में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी और रेलवे में भी एग्जाम जो है बहुत यानी कि एग्जाम के अब एक सिर्फ और सिर्फ सीईटी एग्जाम नहीं है। सीईटी एग्जाम के बारे में बताया कि आपका ये 2 साल या फिर 3 साल की उसकी वैलिडिटी होगी आपकी सर्टिफिकेट की, इसके बाद आपको फिर से सीईटी पास करना पड़ेगा, 3 साल में हमको ये भी एग्जाम नहीं निकाल पाए तो यानी कि दोबारा सीईटी देने की जरूरत पड़ेगी उसके बाद। अब देखिए स्टूडेंट कोई भी होता है उसको चाहिए सरकारी नौकरी,
सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी जो होती है वो मैट्रिक लेवल की भी होती है और इसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल भी होती है, ग्रेजुएशन लेवल भी होती है, टेक्निकल लेवल भी होती है। यानी कि रेलवे में तो चार तरह के लेवल पाए जाते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चार तरह की होती है, मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और इसके अलावा वो एक है टेक्निकल लेवल। यानी कि चार तरह की कैटेगरी है और इस चार तरह की कैटेगरी के लिए तो फिर एक सीईटी एग्जाम एक हुआ। अब देखिए जो सीईटी एग्जाम है ये भी बहुत ज्यादा पेचीदा, ये कॉमन नहीं है। सीईटी एग्जाम एक होगा आपका मैट्रिक लेवल के लिए, एक होगा आपका इंटरमीडिएट लेवल के लिए और एक होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए। यानी कि तीन एग्जाम सीईटी का आपको देना पड़े। अगर आप ग्रेजुएशन है किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है सब लोग चाहे सरकारी नौकरी और वो तीनों एग्जाम को बिल्कुल देगा ही देगा। और सरकार यहाँ पे ये बोल रही है कि सीईटी एग्जाम जो है वो साल में वो दो बार कंडक्ट करवाएगी, या तो जनवरी से एक एग्जाम जनवरी में हो जाए और दूसरा हो जाए जून में, या फिर एक एग्जाम हो जाए मार्च में दूसरा हो जाए सितंबर में। तो इसमें यानी कि इस तरह से सरकार को क्या होता है कि छह एग्जाम लेना पड़ेगा, यानी कि एक साल के अंदर में छह एग्जाम उसको सीईटी का लेना पड़ेगा, स्टूडेंट उस छह एग्जाम को देगा। तो अब जरा सोचिए स्टूडेंट जो है एक सीईटी का सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है और एक बार वो एग्जाम को फेल हो गया तब भी वो दोबारा दे सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक दे सकता है, जितना बार चाहे उतना बार दे सकता है। या फिर जो स्टूडेंट सीईटी एग्जाम एक बार पास कर गया उसको सिर्फ और सिर्फ एक स्कोर कार्ड मिलेगा, मान लीजिए उसको 70% नंबर मिला, मान लीजिए हमने एक सीईटी एग्जाम को पास किया और हमको वहां पे 70% नंबर मिला और अगला जो सीईटी एग्जाम होने वाला होगा तो उसमें हम क्या कोशिश करेंगे, अरे हमारे पास 70% नंबर है, हमको अगला सीईटी में हमको 70+ नंबर चाहिए ताकि हम सब में फॉर्म डाल सके। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट की जो संख्या है वो कभी नहीं घटेगी, स्टूडेंट की जो संख्या है वो कभी नहीं घटेगी। और क्या होगा उल्टा इसका रिएक्शन क्या होगा कि जितना सीईटी एग्जाम होता जाएगा स्टूडेंट की संख्या उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होती जाएगी और इसकी जो संख्या है पता है कितना जाएगी, वो 10 करोड़ पार कर जाएगी। यानी कि 15 से 20 करोड़ स्टूडेंट इस सीईटी एग्जाम को भर देंगे। पता है कैसे, क्योंकि प्रत्येक साल यानी कि इंडिया साक्षर हो रही है, स्टूडेंट लोग जागरूक हो रहे हैं, माता पिता जागरूक हो रहे हैं और देश का हर एक स्टेट का बच्चा बच्चा जागरूक हो रहा है सरकारी नौकरी के लिए, एग्जाम को लेकर के फॉर्म को भरने की प्रक्रिया उसको पता चल गई, सब कुछ ऑनलाइन हो रही है। पहले क्या था, ये बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान दिल्ली यही 5-6 स्टेट में सिमट के जाते थे स्टूडेंट और सब जगह के स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होते थे, होते थे लेकिन उतना नहीं होते थे। लेकिन अब क्या है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट एक साथ सभी फॉर्म को भरते हैं। तो ये सीईटी का जो सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की एक चाल है स्टूडेंट के टाइम को बर्बाद करने के लिए। एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिहार का 2014 में बिहार SSC का एक फॉर्म आई थी इंटरमीडिएट लेवल पे और उसमें कहा गया था कि आपको कर्मचारी लेवल का पोस्ट देंगे। 2014 की बात है, आज से 6 साल हो गए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम करवाया है, उसका रिजल्ट निकाला है, इसकी भर्ती अभी तक नहीं करवाई है। तो अब जरा सोचिए एक छोटा सा स्टेट बिहार जहाँ पे यानी कि भारत में जितने 35-36 स्टेट है केंद्र शासित को मिला करके उसमें से एक छोटा सा स्टेट बिहार, मतलब यहाँ पे 25 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म को डाले थे और कुछ हजार इसमें पोस्ट थी, उसको अभी तक इसको फाइनल नहीं करवा पाया है, 2 एग्जाम इसके बाद इसको भर्ती नहीं दे पाया है। तो अब जरा सोचिए पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए, वो भी SSC बैंकिंग रेलवे के जितने भी सेक्टर होते हैं सबके लिए एक एग्जाम सीईटी करवाने के लिए 6 एग्जाम सीईटी होगा और 6 के 6 एग्जाम को स्टूडेंट भरेंगे और एक में वो अच्छा स्कोर करते भी है तब भी वो दूसरे एग्जाम को भरेंगे और वो बहुत ज्यादा पेचीदा है। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक प्री के लिए एक तरह PT टेस्ट हुआ और ये क्वालिफाई करने के बाद वो दूसरा स्टेज के एग्जाम को दे पाएंगे। दूसरी बात क्या होता है कि 6 महीना पे एक बार सीईटी एग्जाम जब ले रही इस गवर्नमेंट तो क्या 6 महीने में एक बार वैकेंसी निकल जाती है, बिल्कुल नहीं, 4 साल में एक बार निकलती है रेलवे की वैकेंसी, पिछला बार के एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ये सीईटी सिस्टम बहुत बकवास है और ये जरूरत नहीं है इसकी। और जैसे कि वैकेंसी जैसे कि देर हो रही है तो स्टूडेंट की संख्या इसमें काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी और ये सिस्टम बहुत ज्यादा लंबा खींच जाएगा। तो है कुछ नहीं, बस ये सिर्फ और सिर्फ कि आपका एग्जाम का एक मात्र PT टेस्ट है, PT, इसके बाद जो है रेलवे खुद से CBT 2 एग्जाम जिसको बोल सकते हैं, मेंस जिसको बोल सकते हैं, वो एग्जाम लेगा, उसके बाद ही किसी का भर्ती करेगा। इसके बाद देखिए IBPS में भी वही बात है, ये सिर्फ और सिर्फ PT क्वालिफाई है
और उसके बाद वो अपना मेंस एग्जाम जरूर लेगा। उसका फिर देखिए एसएससी है, ये भी मेंस एग्जाम या फिर टाइपिंग वगैरह जो भी स्किल टेस्ट लेता है वो तो इसको लेगा ही लेगा। तो अब जब बताइए आप लोगों की सुविधा कहाँ हुआ? सुविधा कुछ नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट को फंसाने की साजिश है। उसके बाद दूसरी बात, उसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेलवे का एक ग्रुप डी का एग्जाम है, इसको करवाने के लिए सोचिए ग्रुप डी का जो टेस्ट आया था पिछले बार 2018 में, उसके बाद क्या हुआ था कि एग्जाम को करवाने के लिए 136 शिफ्ट में स्टूडेंट का जो संख्या था वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास था, 136 शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ा था, तब जाके कहीं स्टूडेंट का एग्जाम मतलब कि सभी स्टूडेंट का एग्जाम हो पाया था। सिर्फ और सिर्फ रेलवे का वो भी एक मैट्रिक लेवल पोस्ट ग्रुप डी का, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट के लिए जब इतना 136 पार्ट में उसको एग्जाम लेना पड़ा था। तो अब जरा सोचिए एसएससी बैंकिंग और रेलवे के सारे स्टूडेंट को मिला करके एक सीईटी एग्जाम लेगा, यानी कि आपका मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट लेगा, तो इतना कंप्यूटर है कि इंडिया में अगर है भी तो इसको व्यवस्था कौन कंडक्ट करवाएगा, कौन सी कंपनी कंडक्ट करवाएगी? रेलवे का तो इतना साल से चल रहा है, अभी तक तो किसी का हिम्मत नहीं हो कोई भी कंपनी में किसका एग्जाम को करवा ले, या अभी सरकार का भी इतना नहीं हो पाया कि करवा ले। ये चुनाव नहीं है कि वहां पे गया और सिर्फ बटन दबाया और इसका एग्जाम हो गया, यहाँ पे प्रॉपरली 4 घंटे का समय देना पड़ता है स्टूडेंट को, कंप्यूटर के सामने में सारी प्रक्रिया होने पे और तब जाके एग्जाम होती है। उस एग्जाम के बाद भी कोई गारंटी नहीं होता कि एक बार में रिजल्ट हो ही जाती है। अब देखिए सब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब एग्जाम का जो क्वेश्चन जो सेट करता है उससे ज्यादा नॉलेज स्टूडेंट के पास खुद है, और स्टूडेंट जो एग्जाम देता है जो कंपनी कंडक्ट करवाती है, अब जरा सोचिए कोई कंपनी कर रही कंडक्ट तो वो भी तो विद्वान कंपनी तो है नहीं, उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती है रिजल्ट निकालने में, क्वेश्चन सेट करने में, सारी की सारी। अब स्टूडेंट को उसका फॉल्ट पता चलता है, फिर से वो स्टूडेंट लोग कंप्लेन कर देता है, अब उस कंप्लेन के बाद फिर से वो दोबारा रिजल्ट निकलता है, फिर से फॉल्ट रहती क्वेश्चन में, यानी कि सही आंसर को गलत करके बता देता है। अब हम तो चुप बैठने वालों में से नहीं है क्योंकि हमारा सही क्वेश्चन को गलत किया है तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे, फिर से सब लोग एक हाथ मिलकर आवाज उठाएंगे, फिर से चलो रिजल्ट निकालो, फिर से हम लोग अपना कंप्लेंट डालेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में हमें डाउट है वो सही होना चाहिए, फिर से वो सही करके यानी कि 3 बार 4 बार करके वो एक बार रिजल्ट निकालती है, तब जाके फाइनल स्कोर बन पाता है। फिर भी स्टूडेंट के मन में बहुत सारा असंतोष रह ही जाता है। तो इन सब सिस्टम को सीईटी कैसे हैंडल करेगी वो मेरे समझ से बात है, मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि ना तो इंडिया की उतनी टेक्नोलॉजी है, जो कि टेक्नोलॉजी तो है लेकिन ऐसा सिस्टम है ही नहीं, अगर सिस्टम है भी तो कोई फॉलो नहीं कर पाएगा उस चीज को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट का एग्जाम लेना वो भी एक साल में 6-6 बार और 15-20 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि मैट्रिक पास कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है, और जो मैट्रिक पास है जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लिया है वो तीनों एग्जाम को 100% देगा ही देगा। अब कोई अंतर नहीं रहा यूपीएससी एग्जाम में या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में, बस सभी को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे जहां से मिल जाए जैसे मिल जाए, इसलिए स्टूडेंट की भीड़ तो काफी ज्यादा बढ़ने ही वाली है और ये सीईटी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सिस्टम है, बस हमें इसको समझना है, और हो सके तो हमें इसके बारे में अगर कुछ पूछे या फिर कहीं आवाज उठाने की जरूरत पड़े तो उठा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट को। आप लोग इसके बारे में और जानिए, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। एक्चुअली मुझे आदत है बोर्ड पे लिखने की, तो अभी हम जा रहे हैं इसको डस्टर खोलने के लिए मिटाने की, जबकि डस्टर कैसे मिटेगा, बस एक क्लिक में पूरा मिट जाएगी। और देखिए एक क्लिक में पूरा मिट गए, चलिए आइए हम लोग जानते हैं इसके सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है वो आपका एसएससी का एमटीएस हो या फिर एलडीसी हो उसका प्राइमरी टेस्ट यानी पीटी टेस्ट अगर आप लोग दिए होंगे उसका जो सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस इसका है। अब यहाँ पे रेलवे के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रेलवे में जो बिहार यूपी के ज्यादातर स्टूडेंट लगते थे सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं थी। अब ये जो सीईटी एग्जाम होने वाली है इसमें इंग्लिश को शामिल किया जाएगा, यानी कि रेलवे वालों को अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है बिहार यूपी के स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में इंग्लिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम में आप लोग इंग्लिश लीजिए ना लीजिए, पास होइए फेल होइए, 0 नंबर आइए -25 नंबर आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश है ही नहीं बिहार में, और यहाँ पे रेलवे में इंग्लिश मांगा जा रहा है जो कि बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। इस सरकार की ये नीति रही है कि बिहारियों को किसी तरह से रेलवे एग्जाम से बाहर किया जाए, और कहीं ना कहीं ये सफल भी रही है पिछले एग्जाम में, पिछले का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को ही लो, लेकिन ऐसा कंडीशन पैदा कर दिया गया कि बिहार में जितने ज्यादा बेरोजगार जितने स्टूडेंट पढ़ रहते हैं
उसके मुकाबले काफी कम भर्ती हो पाई। बिहारियों के लिए ऐसी कंडीशन पैदा कर दी गई जिससे ये लोग जा ही नहीं पाए उसमें। वो क्या होगी, मैं वो क्या हुई थी वो खैर बात बीत चुकी है, क्योंकि इस बारे में हम बोले तो बिहार के स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, बाहर के स्टूडेंट मतलब थोड़ा नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, जो रियलिटी हो मैं आपको बता देता हूँ। आप भी जाइए, किसी भी स्टेशन जाइए, किसी भी रेलगाड़ी चल जाइए, जितने स्टाफ होंगे आपको 50% ज्यादा स्टाफ आपको बिहार के ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर के गली गली का बच्चा बच्चा सब लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं, रेलवे में इंग्लिश नहीं है, इसलिए सब लोग रेलवे को च्वाइस करते हैं, पहली पसंद है। और अब इंग्लिश आ गई है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इंग्लिश किसी के समझ में आती नहीं है। और खैर कोई बात नहीं, हम नया सिस्टम है तो इसको लेकर चलना ही पड़ेगा, क्या संघर्ष करना है तो करना ही पड़ेगा, सारे देश एक साथ मिलकर इसको करेंगे। तो देखिए इसका जो सिलेबस है वो आपका एसएससी का एमटीएस का प्री हो या फिर एलडीसी का प्री हो, उसका जो देखिए सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आपका तो मैथमेटिक्स का जो सिस्टम, मैथ को तो कोई हटा ही नहीं सकता, मैथमेटिक्स का जो है वो आपका 25% क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का आएगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग में से भी आपका 25% क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिए मैथ रीजनिंग हो गया, उसके देखिए साइंस। रेलवे में एक अच्छी चीज मैंने देखी थी, जीएस को हटाकर यानी जनरल आर्ट सब्जेक्ट जितना था, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल बेसिक जीके या फिर गेम जीके, ये सब को हटा करके साइंस को लाया गया था, ये हम अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन अब फिर से दोबारा से जीएस की वापसी हो रही है और इसके लिए तालियां होनी चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, कितने हजार लाख स्टूडेंट का गला घोट दिया गया रेलवे के इस नया सिस्टम के द्वारा, जो पिछले एग्जाम में हमने देखा, अब दोबारा से वापस आ रही है जीएस, यानी कि जनरल स्टडी, जिसमें कि आर्ट पेपर भी होंगे, साइंस पेपर भी होंगे। साइंस पेपर देखिए 5 पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें ले सकते हैं, कंप्यूटर भी है, यानी कि 5-6 सब्जेक्ट हो गया आपका साइंस पेपर में। आर्ट पेपर में देखिए क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा बेसिक जीके, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स, और इसके अलावा आपका गेम जीके, ये सब जो है आपका आर्ट पेपर है। इसके अलावा आपको यानी कि कला और संस्कृति में भी इसमें आता है। तो ये आपका रहा जीएस पेपर, और जीएस पेपर भी आपका 25% होने वाला है। इसके बाद देखिए आपका इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों को मिला करके 25% आपका इतना टोटल बनता है 100%। अब इस 100% यानी 100 क्वेश्चन को चाहे वो 200 नंबर में डिवाइड कर ले या फिर 400 नंबर में, अब स्टूडेंट को इसमें क्वालिफाइंग नंबर आपको नहीं मिलेगी, आप क्वालिफाई या फिर डिसक्वालिफाई। स्टूडेंट जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा, माने इतना 100 का एग्जाम हुआ और हमने इसमें 100 में 75% नंबर हम ला करके बैठे हुए हैं, तो अब क्या होगा कि एसएससी वाला क्या बोलेगा, जिसके जिसके पास भी 75% ज्यादा नंबर है आओ हमारे फॉर्म को भरो। तो क्या होगा, स्टूडेंट लोग आएगा 75% प्लस वाले सब उसको फॉर्म को भरेगा। अब मान लीजिए एसएससी के पास 1000 सीट है और एसएससी को पहले से पता है कि कितने सारे स्टूडेंट है ऐसे जो कि एसएससी में आ सकते हैं और उसके पास 75% प्लस है, तो वो अपना मेंस का जो टेस्ट है उसके अनुसार वो 1000 उसको अगर सीट है तो वो 20,000, 25,000, 50,000 या फिर 2,00,000, 4,00,000, 5,000 उसको जितना स्टूडेंट की उसको भीड़ चाहिए मेंस टेस्ट के लिए उतना वो आराम से ला सकता है। और वो मेंस टेस्ट में उसको थोड़ी सी सुविधा होगी क्योंकि उसको ज्यादा टेस्ट लेना नहीं पड़े ज्यादा स्टूडेंट का, तो वो उसको सुविधा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा लफड़ा आपका सीईटी टेस्ट में ही होने वाला है। तो इस चीज को मैं नहीं मानता कि बिल्कुल सही सिस्टम है, बिल्कुल बकवास सिस्टम है, ये इंडिया में चलने ही वाले नहीं है, ये नहीं चल पाएगी, ऐसा में नहीं चल पाएगी, क्योंकि साल में यार 6 एग्जाम और 6 एग्जाम के बाद भी आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और वो स्कोर कार्ड का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, उस स्कोर कार्ड के बाद आपका मतलब कि बहुत ज्यादा दोन हो जाएगा। खैर इसके बारे में और बातें होंगी और नया सिस्टम अपडेट क्या आती है उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। तो यही सिस्टम होगा, आपके पास इतना स्कोर कार्ड हो गया, इतना नंबर हो गया, इतना के बाद जिसका नंबर है वो अपना जा सकता है, वो अपना यानी कि एक तरह से एसएससी बैंकिंग रेलवे जो भी है वो अपना स्कोर के अनुसार वो बुलाएगा स्टूडेंट के जिसके पास भी इतना ज्यादा नंबर है, सब लोग मेंस के लिए टेस्ट फॉर्म को भर दो, तो ये सिस्टम आने वाली है। खैर ये सब है, तो आपको यानी कि मेन जो आपका मेहनत करना है सीईटी टेस्ट में, यानी कि प्री टेस्ट हो सकता है या फिर सीईटी बोल सकते कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं उतना ला दीजिए। आपको पढ़ाई पहले से भारी पड़ने वाली है क्योंकि मेंस में भी आपका कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपको जो भी
यानी कि स्किल टेस्ट है उसमें भी आपका कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम जो दे रहे होंगे अभी जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी तैयारी काफी बेहतर होगी, काफी बोना फाइट तैयारी होगी, वो लोग ही मैक्सिमम नंबर को ला पाएंगे, 75% से प्लस नंबर को ला पाएंगे, और वो लोग को ही एसएससी बैंकिंग या पीडीएल में बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही आकर के हमारे एग्जाम को दे सकते हो, बाद बाकी नीचे वाले स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में एवरेज तैयारी वाले स्टूडेंट नहीं, मतलब कि वो सीईटी पास होने के बावजूद भी वो फॉर्म को भर ही नहीं सकते, जिससे कि वो एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। फिर क्या हुआ, सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी आम स्टूडेंट के पहुंच से, या फिर जिसे बहुत ज्यादा मेहनत पहले से किए होंगे उन लोगों को मिल पाएगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि आपको अभी के अभी कलम और कॉपी उठाइए, सिलेबस उठाइए, किताब उठाइए, जो भी किताब मिल रही है आपको मार्केट में, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, सारे के सारे आपको पढ़ना होगा। सीईटी में किसी भी तरह से 85% से ज्यादा का स्कोर आपको करना पड़ेगा और आपको इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो पाएगा। और यही नहीं, सरकार यही नहीं रुक रही है और क्या बोले कि इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट को भी शामिल कर लेंगे, और अगर सेंट्रल एक नियम बना देता है तो स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज को मानना ही मानना पड़ेगा, और ये सब सिस्टम होने वाली है बहुत ही, मतलब कि स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं, जिसकी मतलब हौसला है तो वो तो पास कर ही जाएंगे, क्योंकि चैलेंज बहुत सारे लोगों को पसंद है और मुझे भी चैलेंज पसंद है, हम भी आपको इतना सारा चीज पढ़ा देंगे और आप भी इसको पास कर सकते हैं। तो ये सब सिस्टम है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी लेकिन जो रियलिटी बात है वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ। चलिए, तो ये रहा आपका सिलेबस और इस तरह से हुआ सिलेक्शन। और अब देखिए एनआरई, अब सीईटी के साथ एक से एक और नया आ रहा है, वो क्या है, एनआरई। चलिए हम इसको ब्लू से लिखते हैं, एनआर, इंडिया में अगर कहीं पर एन का यूज हुआ स्टार्टिंग में तो उसका मतलब तो आपको नेशनल होगा। नेशनल आर्ट्स है रिक्रूटमेंट, और ए से एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि एनआरए के अंतर्गत में सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है वो जो है एनआरए करवाएगी, यानी कि एनआरए करवाने वाली है सीईटी के टेस्ट को। और ये क्या गया भाई, ओके, एनआरए ही जो है सीईटी का टेस्ट को करवाएगी, और इसके लिए भी इसके पास कोई सिस्टम है नहीं, ये दोबारा से फिर से कोई एजेंसी हायर करेगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हायर करे जो इसे इस टेस्ट को दिलवा पाए। लेकिन आप लोग को बस वही है कि 15 से 20 करोड़ की संख्या में स्टूडेंट होंगे इंडिया में जो इस टेस्ट के लिए आ सकते हैं, पूरे एक साल के अंदर में 6 टेस्ट होंगे, और अगर आपको मैट्रिक लेवल का जॉब चाहिए तो आपको मैट्रिक लेवल सीईटी, इंटरमीडिएट के जॉब के लिए इंटरमीडिएट वाले सीईटी, ग्रेजुएशन के जॉब के लिए ग्रेजुएशन वाले सीईटी, और अगर आपने ग्रेजुएशन का सीईटी पास किया उसमें आपके पास स्कोर है और मैट्रिक लेवल और इंटरमीडिएट में आपके पास स्कोर नहीं है, तो आप मैट्रिक लेवल और इंटरमीडिएट वाले का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। आप जो सीईटी पास करिएगा और आपकी एलिजिबिलिटी या फिर आपके मार्क्स उतने होंगे तब आप उसमें आ पाएगा। तो ये सिस्टम मेरे को समझ में, मतलब कि समझ में तो आ रही है, लेकिन ये सक्सेस होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, और पूरा का पूरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करना चाहती है, टाइम पास करना चाहती है, वो भर्ती देना चाहती नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को इस सिस्टम का फायदा उठा करके उलझा के रखना चाहती है, ताकि किसी तरह से उनका 4 से 5 साल का जो भी पीरियड होता है चुनाव का वो कट जाए, फिर चुनाव आए, फिर नया सरकार आए, फिर वो पता नहीं जो भी सिस्टम वो कर रहे। लेकिन सिस्टम बहुत बेकार है, और हमें स्टूडेंट को ये सब चीजें जाननी पड़ेगी, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया गया भाई, क्यों किया गया यार। एक तो सिस्टम सा, एक सिंपल सा सिस्टम है, प्री मेंस और ये जो भी हो, इंटरव्यू का तो है ही नहीं, जो भी एबिलिटी टेस्ट हो वो सब, तो ये सब तो है नहीं, लेकिन अब ये नया सिस्टम आ रही है तो पता नहीं क्या होगा। तो हमारे समझ से बाहर की बात है, लेकिन हम एक स्टूडेंट है, हम एक टीचर है, आप लोग को पढ़ाना मेरा काम है,
तो बस वही है, आप लोग इसकी तैयारी करें। मैथ, रनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे चीज को आपको कवर करना पड़ेगा। टोटल आपका 15 से 20 सब्जेक्ट होगा, इतना मोटा किताब हो जाएगा टोटल। आपको तैयारी करना पड़ेगा वो 5 से 6 महीने के अंदर में, क्योंकि 6 महीना में एक बार आपका एग्जाम होगा, एक बार नहीं 3 बार एग्जाम होगा, और 3 बार नहीं आप जितने पास हुए तो वो सबका एग्जाम। बोलने में आसान है सीईटी का सिस्टम, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा है, और एक आम स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट या वो से एक जीनियस स्टूडेंट के लिए भी वो इतना ज्यादा पेचीदा सिस्टम है कि उससे और पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक नया चीज और इसमें आ रही है कि जो स्टूडेंट है, अब मान लीजिए जो भी स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी इंडिया का सबसे ज्यादा पावरफुल जो जॉब होती है आईएएस की, आईपीएस की, वो यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। इस बोर्ड की देखिए क्या होता है, एक देखिए मक्खी है वो हमारे यहाँ पे लिख रही है ओके वही तुम देख रहे थे कि आखिर ये कैसे लिखा रहा है ओके तो फिर ये देखिए यूपीएससी में जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, यूपीएससी में साल में लगभग में आईएएस का जो पोस्ट होता है वो 13-14 साल निकलती है, इसकी तैयारी में लगभग में 5 से 6 लाख स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो उनकी तैयारी काफी डीप होती है, बहुत ज्यादा डीप होती है, कहीं से भी कुछ भी पूछती है वो पीछे नहीं हटेंगे उसको बताने में, काफी ज्यादा उसकी डीप तैयारी होती है। जब ये सीईटी का सिस्टम आएगा तो इसमें तो कोई नौकरी मिलने नहीं है, अभी इंडिया में वैसे भी रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। मैंने यूपीएससी के स्टूडेंट को, आईआईटी पास स्टूडेंट को मैंने ग्रुप डी में जाते हुए देखा है, रेलवे में कंप्लेंट करते हुए ये देखा है कि हम पटरी पे नहीं जाएंगे, तो रेलवे बोलता है कि आप भाई यूपीएससी को या फिर आईआईटी किए हुए तो आप रेलवे में आए ही क्यों, तो स्टूडेंट बोलता है मेरी मजबूरी थी लेकिन अब हम इस काम को नहीं कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी किया है, तो यूपीएससी का स्टूडेंट जो है वो सीईटी पास करके बैठ जाएगा, ठीक है, सीईटी वो पास करके बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या उसके पास अच्छा स्कोर कार्ड होगा, अच्छा खासा स्कोर कार्ड होगा उसके पास, फिर वो क्या करेगा कि अब उसके पास इतना सारा स्कोर कार्ड है, अब वो क्या होगा कि जो वाकई में रियल स्टूडेंट है एसएससी बैंकिंग और रेलवे के लिए, वो सबका जगह वो लोग खा जाएंगे, वो लोग को नीचे वाले को मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी डिफॉल्ट मुझे लगी आने वाले समय में इसको आएगी, और मुझे नहीं लगता कि सीईटी बिल्कुल सक्सेस होने वाली है। आप लोग को बताएं क्या लगता है सीईटी कैसे सक्सेस होगी। अगला जो वीडियो आएगा वो बिल्कुल रेलवे के सिस्टम पे आएगा कि रेलवे का एग्जाम अगर सीईटी 100% लागू हो जाती इस रूप में जिस रूप में अभी बताया गया है तो रेलवे के एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा, क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम जो है वो सीईटी के अंदर में आ पाएंगे, और उसके बाद का क्या सिस्टम होगा वो सब हम बताएं आपको अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का बिल्कुल इंतजार करिए। आई होप कि हम उम्मीद करते हैं आपका ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो है ये एक तरह से नेता के भाषण की तरह आपको लगा होगा, लेकिन एक टीचर का काम होता है कि रियल चीज को बताना है स्टूडेंट को, और हमने वही किया अपने अनुसार। आप लोग क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। हमारा कोई मकसद नहीं है कि सरकार को बदनाम करे या फिर जो भी जो सिस्टम चल रहा है वो चीज। अब बताइए बिहार सरकार जो है जब 2014 में निकाला वैकेंसी, 2020 चल रहा है अब वो भर्ती नहीं लिया, तो क्या वो 3020 में लेगा यार? ऐसे लोगों को पता नहीं यार कहाँ कहाँ से मतलब दोबारा से कैसे लोग मतलब आ पा सकता मैं, और पता नहीं, ठीक है।